हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं डिवाइस नेम के बारे में। जैसे कि हम डिवाइस नेम सेटिंग को कैसे चेक कर सकते हैं, डिवाइस नेम को, इसके बारे में बात करने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पास ये ओप्पो का फ़ोन है और आपको सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है। तो क्लिक कर लेंगे फ्रेंड्स सेटिंग पर। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है, अबाउट डिवाइस पर जाना है। अबाउट डिवाइस पर जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, डिवाइस नेम पर जाएंगे। डिवाइस नेम पर जाने के बाद आप यहां से अपना डिवाइस नेम चेक कर सकते हैं, जैसे कि मेरा है ओप्पो फ़ोन, और आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि कट करेंगे, कट करने के बाद आप ओप्पो, मैं मोबाइल लिख देता हूं, आप जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं और सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आपका ये चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से आप अपना स्टोरेज चेक कर सकते हैं। ये देखिए, स्टोरेज चेक करना है तो थोड़ा सा वेट करना होगा। ये देखिए, स्टोरेज इस तरीके से चेक कर सकते हैं, और क्लीन करना है तो क्लीन कर सकते हैं यहाँ से क्लिक करके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, रैम चेक करना चाहते हैं रैम चेक कर सकते हैं, मॉडल देख सकते हैं, एंड्रॉयड वर्जन चेक कर सकते हैं। स्टेटस पे जाएंगे तो और भी सेटिंग्स आपको देखने के लिए मिलेंगी, जैसे कि IMEI नंबर है तो यहाँ से आप IMEI नंबर चेक कर सकते हैं, बैटरी लेवल चेक कर सकते हैं, बैटरी स्टेटस चेक कर सकते हैं, सिम कार्ड स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसमें और भी सेटिंग्स है, तो जितनी भी ये सेटिंग्स हैं फ्रेंड्स, इसके बारे में पहले वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।